नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑडियो स्ट्राइम में। मैं हूँ आपका दोस्त अमन साड़ा और लेके आया हूँ आज आपके लिए गजब गजब की न्यूज। तो आशा करूँ आज ही आपको ये डेली डोज पसंद आएगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में। तो चलिए दोस्तों पता लगा लेते हैं आज का डेली डोज के बारे में। और आशा करता हूँ आपको हमारा कल का डेली डोज पसंद आया होगा। यहाँ पर आप जानते हैं अभी हम आपके लिए गेम प्ले लेके नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से माफी चाहेंगे। एक्चुअली टॉन्सिल बहुत है, खांसी बहुत चल रही है और इसी के कारण अभी हम आपके लिए गेम प्ले लेके नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए तहे दिल से माफी चाहेंगे और जल्दी से ठीक होने की कोशिश करेंगे और जल्दी से वापिस से लाइव गेम प्लेस आपके लिए लेके आएंगे। यहाँ पर बात करें आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो यह आ रही है आसुस के ज़ेनफोन मैक्स M2 से। और यहाँ पर मालूम पड़ा है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो अब हो चुकी है कम। तो अगर आप चाहते हैं इसे परचेस करना तो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग अब स्टार्ट हो रही है 7,999 से। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप मैक्स M2 लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है एंड्रॉइड क्यू से। और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि इसके अंदर आपको मिलने वाला है एक नया फीचर, ये है फास्ट पेयर, जिसके तहत यहाँ पे इजी हो जाएगा मैनेज करना आपके ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स और हेडफोन्स को। जी हाँ, यहाँ पे बात करें और चीज़ों की, तो बोला जा रहा है कि जो बैटरी इंडिकेशन है वो पहले से बेहतर देखने मिलेगा और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड क्यू बहुत कुछ नया लेके आने वाला है और बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी वेट कर रहे हैं एंड्रॉइड क्यू का, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यह आ रही है नोकिया 6.2 से। जी हाँ, आप जानते हैं HMD ग्लोबल ये स्मार्टफोन लेके आने वाला है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल सामने आई है जिसके अंदर मालूम पड़ा है कि आपको यहाँ 6 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, फुल HD+ एमोल्ड वाली डिस्प्ले आपको मिलने वाली है। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ आप लुक देख ही रहे हैं, तो ये बिल्कुल नोकिया X71 जैसा लगने वाला है। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की, तो ये आपको 4GB वेरियंट और 6GB रैम वेरियंट में मिलेगा। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ आपको 20 MP प्लस 8 MP प्लस 5 MP का कैमरा देखने मिलेगा। 6GB रैम वेरिएंट के अंदर आपको 3300mAh की बैटरी देखने मिलेगी। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की, तो बोला जा रहा है प्राइसिंग स्टार्ट हो सकती है 12,000 से और हो सकता है ये जल्दी मार्केट में देखने मिल रहा है। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप चाहेंगे नोकिया 6.2 को लेना, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यह आ रही लाइसा कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे लेके आ गए हैं एक और गजब का कैमरा और ये है V Lux 5। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। यहाँ पे बात करें फ्यूचर की, तो यहाँ आपको मिल जाती है OLED वाला व्यू फाइंडर जो आता है 2.36 MP रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ आपको मिल जाती है ISO 12,800 तक। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ पर ओवरऑल लुक वाइज ये बहुत ही गजब का है। 4K आपको यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग और 4K आपको यहाँ फोटो भी मिल जाएगी। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की, तो कंपनी ने बताया कि यहाँ पर आपको मिलेगा हाई स्पीड ऑटो फोकस और 12 FPS पे आपको कंटिन्यूस बर्स्ट शूटिंग भी मिलेगी। माइक्रो USB भी मिल जाएगी बैटरी चार्जिंग के लिए। वाईफाई ब्लूटूथ आपको मिल जाएगा। 2 साल की आपको वारंटी मिलेगी। पोस्ट फोकस फोकस स्टॉकिंग आपको मोड भी मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ आपको 20 MP 1 इंच सेंसर भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गजब का ये कैमरा है। यहाँ पे बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो ये जल्दी अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ पे प्राइसिंग रखी गई है 98,000। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस नए कैमरे को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है एक रिपोर्ट से। और ये रिपोर्ट बोलती है कि यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड है उसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हो चुका है और हो सकता है अब ये जल्दी मार्केट में देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं फाइनली सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड पहले से बेहतर हो चुका है, ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा और ज़्यादा ड्यूरेबल देखने को मिलेगा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप चाहेंगे इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड को लेना, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यह आ रही है आसुस के ज़ेनफोन 6 से। और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि इसके अंदर आ चुका है नया अपडेट जिसके तहत रोटेशन जो इशू आ रही थी कैमरे के अंदर उसे फिक्स कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इमेज क्वालिटी पहले से इम्प्रूव और बेहतर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसुस बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको अपडेट पहुंचा रहा है ताकि जो दिक्कतें हैं उसे सॉल्व कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी यूज़ करते हैं आसुस का ज़ेनफोन 6, अगर करते हैं तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है शेयर कीजिए हमारे साथ। बात करें अगली डेली डोज की, तो यह आ रही है इसरो की तरफ से। और यहाँ पर आप जानते हैं कल थी लॉन्चिंग चंद्रयान 2 की और ये सक्सेसफुल हुई है। अब यहाँ पे यह मून पर पहुंचेगा 48 डेज के अंदर और उसके बाद और डिटेल्स सामने आएगी। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपने भी लाइव लॉन्चिंग देखी चंद्रयान 2 की, तो कमेंट कीजिए और बताइए।
बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये हिंडई मोटर्स की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये वर्क कर रहे हैं एक नए कैमरा सिस्टम पर, जिसके तहत जो साइड मिरर है वो आने वाले कार्स के अंदर आपको नहीं देखने मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये कैमरा अंदर की तरफ रखेंगे और इसके तहत यहाँ पर आपको हर एक जगह का मालूम पड़ता रहेगा, साथ ही साथ जो ब्लाइंड स्पॉट है उसके बारे में भी आपको इजिली मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सेफ्टी है और जो आपका मिरर एक्सपीरियंस है वो भी ज़्यादा अच्छा होगा, साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर भी ये बहुत काम आने वाला है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आपको ये सिस्टम पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली डोज की, तो ये आ रही है किया के ग्रैंड कार्निवल से, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि इसे ये अनवील करने वाले हैं इंडिया के जो ऑटो एक्सपो 2020 है उसके अंदर। जी हाँ, तो यहाँ पर ऑटो एक्सपो 2020 का वेट कीजिए, किया की तरफ से आपको और बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं किस प्रकार से ग्रैंड कार्निवल आती है, क्या ओवरऑल फीचर होते हैं, किस प्राइसिंग में सेल आउट होती है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप जाना पसंद करेंगे ऑटो एक्सपो 2020 में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके इसे फैलाइए, और हो सके तो डोनेट कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, मैं था आपका दोस्त अमन सारडा, भारत माता की जय।